गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SST क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर। चैप्टर नेम इज कीप योर बॉडी क्लीन एंड हेल्थी। तो जैसे लेसन के नाम से पता लगता है, अपने इसका मीनिंग होता है अपने शरीर को साफ और स्वस्थ रखना। से पता चलता है कि हम अपने इस लेसन में हम रीड करेंगे कि हमें अपने शरीर को, अपनी बॉडी को क्लीन कैसे रखना है ताकि हम हेल्दी रह सकें। जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस समय में क्लीनिंग की वैल्यू और भी बढ़ जाती है, मीन्स साफ सफाई की वैल्यू और भी बढ़ जाती है ताकि हम बीमारियों से दूर रह सकें और हेल्दी रह सकें। अ क्लीन बॉडी इज हेल्दी बॉडी, मतलब जो साफ शरीर होता है वही स्वस्थ शरीर होता है। हेल्दी मीन्स स्वस्थ होता है। इफ वी हैव गुड एंड क्लीन हैबिट्स एंड वी ईट फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड, वी कैन डेवलप अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं और साफ हैं और हम फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा, न्यूट्रिश का मतलब होता है पौष्टिक फूड, अगर हम ये सब करते हैं, ये भोजन खाते हैं फ्रेश और पौष्टिक तत्वों वाला, वी कैन डेवलप अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी। वी शुड फॉलो द रूल ऑफ हेल्दी लिविंग। तो हमें कुछ नियम अपनाने चाहिए जो हमें स्वस्थ रहने में हमारी मदद करें। लेट अस नो देम, तो हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट है वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए। तो वॉकअप का मतलब होता है जागना। ठीक है, तो हमें जैसे कि सुबह जल्दी जागना चाहिए ताकि हमारे सभी काम टाइम से हो, हम टाइम से स्कूल के लिए रेडी हो सके। तो सबसे पहले जो डे की शुरुआत होती है अच्छी आदतों की, तो वो होता है जल्दी उठना, मीन्स वॉकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकेंड है ब्रश योर टीथ वेल, तो जो हमारी सेकेंड हैबिट होनी चाहिए वो हमें ब्रश अपने दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए। जैसे हम ब्रश करते हैं, ऐसा नहीं कि 2 मिनट लगाए और ब्रश कर लिए। ब्रश योर टीथ वेल मीन्स अच्छे से ब्रश करना चाहिए, अच्छे से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट यूज अ टंग क्लीनर, मीन्स एक टंग क्लीनर से हमारी टंग का मतलब होता है जीव को भी साफ करना चाहिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है, जो नेक्स्ट हैबिट है हमारी, क्या होनी चाहिए, टेक अ बाथ एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल। डेली स्कूल जाने से पहले हमें नहाना चाहिए, ठीक है, तो ताजो हम फ्रेश रह सके पूरा दिन। शैम्पू योर हेयर टू कीप इट क्लीन एंड फ्री ऑफ लीस्ट, मीन्स हमें जो गर्ल्स होती है, मोस्टली बॉयज़ के तो अक्सर बाल छोटे होते हैं, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उनके हेयर्स लंबे होते हैं, ऑलमोस्ट लंबे होते हैं सभी के, तो उन्हें क्या करना चाहिए, शैम्पू करना चाहिए, अपने हेयर्स को शैम्पू करना चाहिए, जो ताजो उनके सभी को करना चाहिए, मीन्स ताजो हमारे जो हेयर्स हैं क्लीन रह सकें, साफ रह सकें और लीसेस फ्री रह सकें। लीस का मतलब होता है जुए, मीन में एक छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो अगर हम अपने हेयर्स को क्लीन नहीं करते तो हमारे हेयर्स में अपने आप आ जाते हैं, तो हमें अपने हेयर्स को क्लीन रखना चाहिए। ऑयल योर हेयर एवरी वीक, तो हर वीक हमारे हेयर्स को ऑयल लगाना चाहिए प्रॉपर, ताजो इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही चल सके। क्योंकि अगर हम ऑयल अच्छे से लगाते हैं तो सर में तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, तो हमें जो हमारी नेक्स्ट हैबिट है, हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। आफ्टर होता है बाद, ठीक है, बिफोर होता है पहले, तो और मील का मतलब होता है भोजन।
मीन्स हमें खाना खाने से पहले। तो अब आपको जैसे पता है, तो अब जो एक डिजीज चल रही है, एक वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, उसकी वजह से तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें हर 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए 20 सेकेंड तक। वन एक्स्ट्रा पॉइंट इज वॉश योर हैंड विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। हम जब भी टॉयलेट जाके आए हैं तो उसके बाद हमें अपने हैंड्स को अच्छे से सोप से वॉश करना चाहिए, ताकि जो हमें हमारे हाथों में जो जर्म्स होते हैं वो निकल जाए और हमारे हाथ हैं जो क्लीन हो सके। जो नेक्स्ट है, कीप योर फिंगर्स नेल्स ट्रिम्ड, यूज अ नेल कटर टू क्लिप देम। तो हमारे जो नाखून हैं वो छोटे होने चाहिए, ताकि जो हमारे हाथ साफ रह सके, उनमें कोई जर्म्स जमा ना हो सके। तो एवरी वीक हमें अपने नेल्स कट करने चाहिए, ट्रिम्ड मतलब होता है कटे हुए, हमें अपने नेल्स हैं जो हमेशा काट के रखने चाहिए। तो गो टू बेड अर्ली, तो हमें रात को ऐसे नहीं है कि देर तक टीवी देखना है या देर तक पढ़ना है, तो थोड़ा टाइम से ही गो टू बेड अर्ली, हमें जल्दी सोना है, लेट नाइट तक जागना नहीं है, ताकि जो हम सुबह जल्दी उठ सकें और सुबह टाइम से स्कूल के लिए रेडी हो सके। डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ एट नाइट बिफोर यू गो टू बेड। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना नहीं चाहिए, अपने टीथ को ब्रश करना, क्या ब्रश करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो हमने डिनर किया होता है, डिनर का खाना अगर हमारे दांतों में रह जाता है तो वो ज़्यादा पूरी रात हमारे जो जर्म्स हैं हमारे मुंह में ही रहते हैं, तो उससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने दांत प्रॉपर ब्रश करने चाहिए सोने से पहले। डू यू नो एन 8 आवर स्लीप इज कॉल्ड ब्यूटी स्लीप, स्लीप फॉर 8 to 10 आवर्स एवरी नाइट। तो हमें एक अच्छी नींद, स्लीप का मतलब होता है सोना, तो हमें एक अच्छी नींद लेनी चाहिए 8 से 10 घंटे की। अगर हम 8 से 10 घंटे सोते हैं तो इसको ब्यूटी स्लीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूटी स्लीप। इफ यू आर टायर्ड टेक अ शॉर्ट नैप इन आफ्टरनून, अगर आप दोपहर में थक चुके हैं तो आपको एक झपकी लेनी चाहिए। झपकी मीन्स हम बोल सकते हैं एक छोटी निंद्रा, मीन्स कुछ समय के लिए हमें सोना चाहिए। तो इससे हमारे क्या, हमारी बॉडी फ्रेश हो जाती है, हमारी जो टाइर्डनेस है पूरी की पूरी वो पूरे डे की निकल जाती है, हम फ्रेश महसूस करते हैं। एक्सरसाइज एवरी डे, तो हमें एक्सरसाइज का मतलब होता है कसरत करना, हमें थोड़ा टाइम कसरत भी करनी चाहिए, लेकिन बच्चे तो खेलते हैं, उनकी तो कसरत वैसी हो जाती है। डू योगा और सिंपल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में योगा योगा और सिंपल एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे हमारी बॉडी अच्छे से रहती है, हमारी हमारी डेवलपमेंट अच्छे से होती है, हमारी हाइट इंक्रीज होती है, हमारी माइंड पावर इंक्रीज होती है। प्ले आउटडोर गेम्स विद योर फ्रेंड्स, हमें आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो हमारी जो बॉडी है वो डेवलप कर सके, हमें फ्रेश एयर मिल सके। अगर हम बाहर खेलते हैं, हम पूरा दिन स्कूल में रहते हैं, उसके बाद घर में रहते हैं, हमें थोड़ा टाइम आउटडोर गेम्स भी खेलनी चाहिए, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। एक्सरसाइज एंड गेम्स मेक यू फ्रेश एंड अलर्ट, एक्सरसाइज एंड गेम्स हमें फ्रेश और अलर्ट करती है, मीन्स एक्सरसाइज एंड गेम्स मेक यू फ्रेश एंड अलर्ट, मीन्स एक्सरसाइज एंड गेम्स हमें अलर्ट करती है। तो मीन्स हमें, हम जब एक्सरसाइज करते हैं, कोई गेम्स खेलते हैं, तो हमारी बॉडी में एक वाइब्रेशन हो जाती है, मीन्स हम फ्रेश महसूस करते हैं। तो नेक्स्ट है, ऑलवेज ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड, हमें हमेशा हेल्दी एंड फ्रेश फूड खाना चाहिए।
डू नॉट बाय फूड फ्रॉम वेंडर्स, वेंडर्स होते हैं, हमें भोजन नहीं खरीदना चाहिए. किन से नहीं खरीदना चाहिए? वेंडर्स. वेंडर्स होते हैं रेडी वाले. जो रेडी वाले होते हैं तो वो बहुत अनहाइजीनिक फूड सेल करते हैं, मीन्स उनके पास वो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो हमें उनसे कोई भी फूड आइटम नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही खानी चाहिए. ड्रिंक क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, तो हमें जो पानी साफ पानी पीना चाहिए और जो फिल्टर किया हुआ पानी हो वही पीना चाहिए. मेंटेन अ गुड पोस्चर, तो हमें हमारा पोस्चर का मतलब होता है आसन, तो हमें हमेशा हमारा जो अच्छा जो हमारा पोस्चर है वो मेंटेन करना चाहिए. वॉक एंड सिट स्ट्रेट, चलना भी हमें सीधा चाहिए तो बैठना भी हमें सीधा चाहिए. स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, तो हमें मीन्स हमें सीधा चलना चाहिए. इससे क्या होता है, हमारी बॉडी अच्छे से डिवेलप होती है. ऑलवेज यूज हैंडकरचीफ टू कवर योर माउथ व्हेन यू कफ और स्नीज, तो हमें ऑलवेज यूज़ करना चाहिए. हैंडकरचीफ होता है रुमाल, रुमाल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म हैंकी भी बोल देते हैं, उससे हमें अपना फेस कवर करना चाहिए जब हम स्नीज करते हैं. स्नीज मतलब छींकते हैं या खांसते हैं, तो उस समय हमें हमेशा अपने मुंह पे हैंकी रखना चाहिए, हैंडकरचीफ रखना चाहिए, ताकि जो हमारे जो जर्म्स हैं तो वो किसी और को ना हो और वो ना फैले. तो इससे क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है. तो इस टाइम आप जानते हैं कि वायरस चल रहा है, तो ये सब बातें और भी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लेसन. थैंक्स.